छतरपुर में नशा का सौदा करने वाले युवकों ने क्रिकेट के विवाद पर दिनदहाड़े एक युवक की हत्या कर दी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सबनीगढ़ मोहल्ले की है, जहां 20 वर्षीय अमन खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई का आरोप है कि ये घटना मोहल्ले के चार युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना की वजह क्रिकेट खेलना बताया जा रहा है। वहीं घटना के प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि जिन युवाओं ने इस घटना को अंजाम दिया है वो नशा का सौदा करते हैं और नशा करने के आदी है। घटना के बाद CSP घटनास्थल का निरीक्षण उन्होंने किया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जब घटना इन लोगों की बच्चन की बात चल रही थी कुल्लन से, तो ऊपर इनने आवेदन भी डालो तो हमने अपने भैया का डाटा के घर पे नहीं आया करो, और वो आया और बस इन लोगों ने उसको मारा। उन लोगों ने हमसे एक बार शिकायत की थी कि देखो बेटा आप रिपोर्ट डाल दो, आप रिपोर्ट डाल दो, मगर इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं डाली। ये कहते हम मारेंगे। क्या नाम है उन लोगों के जिसने वो किया घटना को अंजाम? इदरीस बबलू टोपे आरिफ। सर यहाँ पे खेत पे, ये यहाँ पे जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, यहाँ पे था आज प्रोग्राम। हाजी जमालुद्दीन जो साइकिल वाले हैं याकूब, उनके यहाँ था यहाँ पर प्रोग्राम। तो अमन खान नाम का जो लड़का है वो यहाँ पे एक आया प्रोग्राम में, ठीक है। तो प्रोग्राम में आया, फिर उसके बाद वो यहाँ पे बैठा रहा। यहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, उनमें भी दिख रहा है वो यहाँ बैठे हुए। फिर उसके बाद वो गया है पीछे, मैदान है खेत पे। तो जैसे ही वो गया, उसके पीछे तीन चार लड़के जितने हों, तीन चार पाँच जितने भी हों, वो उसके पीछे गए और उसके ऊपर हमला बोल दिया। उसके ऊपर तड़ातड़ गोली फायरिंग चलाई, उसको स्पॉट पे मार दिया। ये थाना कोतवाली अंतर्गत तमनीगढ़ मोहल्ला है, जिसमें अमन पिता पीरबख्श जिसकी धारदार हथियार से मृत्यु हुई है, इसमें अपराध पंजीकृत किया जा रहा है। बॉडी को PM के लिए भेजा जा चुका और आगे भी विषय जारी है। सर हथियार के अलावा गोली मारना भी बताया गया, उसमें PM रिपोर्ट के बाद क्लियर हो पाएगा। सर घटना क्यों हुई है, किन लोगों ने अंजाम दिया घटना, इसका कारण पता लगाया जा रहा है। सर बताया जा रहा है कि हाँ नशे का कारोबार होता था सर, यहीं से नशे में थे लोग जिन लोगों ने हत्या की है। सारी चीजें आएंगी और विवेचना में इसको देखिए।